आज हम एक ऐसे क्रिकेटर के बारे में बात करेंगे जिसने महज कुछ सालों में ही अपने आप को टीम का एक बहुत ही भरोसेमंद खिलाड़ी बना लिया है। जब भी टीम को विकेट की आवश्यकता होती है या मिडल ऑर्डर में रन बनाने होते हैं तब कैप्टन इन्हीं की ओर रुख करते हैं। हम बात कर रहे हैं केदार जाधव के बारे में। केदार जाधव भारतीय टीम के काफी भरोसेमंद ऑलराउंडर हैं, जो बैट और बॉल दोनों से ही कमाल दिखाने की क्षमता रखते हैं। इनको पार्टनरशिप ब्रेकर भी कहा जाता है। केदार का इंडियन टीम का सफर काफी मेहनत भरा रहा है और आज की इस वीडियो में हम केदार के उसी सफर को जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक आम परिवार में जन्मा लड़का इतना बड़ा खिलाड़ी बना। केदार जाधव का जन्म 26 मार्च 1985 को पुणे की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। वह अपने घर में सबसे छोटे थे। उनके अलावा उनके घर में उनसे बड़े 3 भाई बहन और थे। केदार जाधव के पिता का नाम महादेव जाधव है। 2003 में रिटायरमेंट से पहले तक केदार के पिता महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बतौर क्लर्क काम किया करते थे। केदार की माँ का नाम मंदाकिनी जाधव है, जो एक हाउसवाइफ है। केदार के घर में तो कोई क्रिकेट खेलने वाला नहीं था। मध्यम वर्गीय परिवार से आने के कारण ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि उनका बच्चा कोई नौकरी करेगा, पर केदार जब छोटे थे तभी उनको क्रिकेट से बहुत लगाव हो गया था और उन्होंने तभी से ठान लिया था कि वो आगे चलकर एक क्रिकेटर ही बनेंगे। केदार की बहन के अनुसार जब केदार लगभग 2 साल के थे तब वह आंवले को गेंद के रूप में इस्तेमाल करके फेंकते थे। आसान शब्दों में कहें तो केदार को जो चीज भी गोल लगती वह उसे बॉल मानकर फेंकने लग जाते थे। वहीं उनके पिता कहते हैं कि केदार ने 2 साल की उम्र में ही बल्लेबाजी को भी अपना लिया था। उस वक्त केदार के पास एक बैट हुआ करता था जिसे लेकर वह दिन भर घूमते रहते थे और यहाँ तक कि वह उसी बैट को रात में पकड़कर सोते भी थे। कई बार केदार जाधव के माता पिता को वह बैट उनसे छीनना पड़ता था। केदार ने अपनी स्कूलिंग MIT हाई स्कूल से करी। स्कूल ही वह समय था जब उन्होंने अपने क्रिकेट गेम को सुधारा और उसमें खुद को पहले से न केवल बेहतर बनाया बल्कि पूरे स्कूल में खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित किया। स्कूल के दौरान वह गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों किया करते थे। केदार जितने अच्छे क्रिकेट में थे उतने अच्छे पढ़ाई में नहीं थे और इसीलिए उनको अपनी माँ से काफी डांट सुननी पड़ती थी, पर इस समय तक आते आते उनके पिता को अपने बेटे पर विश्वास हो गया था कि वो जरूर क्रिकेट में कुछ कर दिखाएगा और इसीलिए वे हमेशा केदार को सपोर्ट करते थे। हाई स्कूल करने के बाद उन्होंने यशवंत राव मोहिते कॉलेज से अपनी पढ़ाई करनी शुरू करी और यहाँ भी अपनी कॉलेज की क्रिकेट टीम का एक अहम हिस्सा रही। केदार जाधव ने निश्चय कर लिया था कि वे एक बड़े खिलाड़ी बनकर दिखाएंगे और उसके लिए वे खूब मेहनत भी कर रहे थे। उन्होंने अपने शुरुआती दौर में रेनबो क्रिकेट क्लब की ओर से कई टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट्स में भी खेला। 2004 में उनको महाराष्ट्र की अंडर-19 क्रिकेट टीम में शामिल किया गया। वह बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे और हर एज ग्रुप का टूर्नामेंट उनका ऑलराउंड प्रदर्शन चर्चा का विषय बन जाता था, जिसके चलते 2007 में उन्होंने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। अपने पहले सीजन में तो उनको खेलने का मौका नहीं मिल पाया, पर दूसरे सीजन में उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन कर अपनी छवि एक आक्रामक बल्लेबाज की बना ली। डोमेस्टिक में अच्छा प्रदर्शन और उनकी मेहनत रंग लाई जब उनको IPL की RCB टीम में शामिल करा गया। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का हिस्सा रहते हुए उनके खेल में काफी निखार आया। काफी ट्रेनिंग से गुजरने के बावजूद भी उनको इस सीजन कोई भी मैच खेलने को नहीं मिल सका। फिर 2010 के IPL में दिल्ली डेयरडेविल्स ने उन्हें RCB से खरीद लिया और उन्होंने अपना पहला IPL मैच भी दिल्ली डेयरडेविल्स की ओर से ही खेला। अपने पहले ही मैच में उन्होंने 29 बॉल पर 50 रन की शानदार पारी खेली। इस परफॉर्मेंस की बदौलत उन्होंने साबित करा कि वह किस दर्जे के बल्लेबाज हैं। इसके बाद उनके IPL के अगले कुछ सीजन फीके ही रहे, पर डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका बल्ला जमकर बोला। 2012 में उन्होंने रणजी ट्रॉफी में 327 रन बनाए। ये रणजी ट्रॉफी में किसी भी महाराष्ट्रीयन बैट्समैन का सेकेंड हाईएस्ट स्कोर रहा। केदार जाधव ने आगे चलकर 2013-14 के रणजी ट्रॉफी में 1223 रन बनाए। इस टूर्नामेंट के एक सीजन में बनाए गए ये चौथे सबसे ज्यादा रन थे। इसके बाद उन्होंने इंडिया ए और वेस्ट जोन क्रिकेट टीम को भी रिप्रेजेंट करा। अब केदार की मेहनत रंग लाने लगी थी और इसके बदौलत उनका डोमेस्टिक क्रिकेट का प्रदर्शन भी और शानदार होता गया। डोमेस्टिक में शानदार खेल के चलते जून 2014 में उनको बांग्लादेश टूर के लिए इंडियन टीम में शामिल करा गया। हालांकि उनको इस टूर पर एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिल सका। उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए काफी इंतजार करा और उनको वह मौका मिला नवंबर 2014 में, जब इंडिया श्रीलंका के खिलाफ खेल रही थी। अपने डेब्यू मैच में उन्होंने 20 रन बनाए। इसके बाद जुलाई 2015 में उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 ODI खेले और इसी सीरीज के तीसरे मैच में उन्होंने अपना पहला ODI शतक बनाया और सबको बता दिया कि वह भारत के लिए कितने उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसी टूर पर उन्होंने अपना T20 डेब्यू भी करा। इसके बाद वे धीरे धीरे टीम इंडिया में अपनी जगह पुख्ता करते गए और टीम के मिडल ऑर्डर के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बन गए।
केदार न केवल बैट से कमाल दिखाते थे बल्कि उनकी बॉलिंग के भी काफी चर्चे रहे। वह उस समय विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं जब टीम को विकेट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और शायद इसीलिए वे इतने शानदार खिलाड़ी बन गए। केदार वह ऑलराउंडर हैं जिसकी इंडिया को बहुत लंबे समय से जरूरत थी। हम उम्मीद करते हैं कि केदार जाधव आगे भी यूं ही शानदार खेल दिखाते रहेंगे और टीम इंडिया को 2019 का वर्ल्ड कप जिताने में एक अहम